खबर एटा जनपद से, जहां थाना पिलुआ पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त रामू यादव के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य थाना पिलुआ पुलिस द्वारा सातिर अभियुक्त रामू यादव के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त रामू यादव पुत्र ओमपाल सिंह निवासी दरिकपुर थाना पिलुआ जनपद एटा के एक कुख्यात अभ्यस्त एवं अपराधी शराब माफिया है। अभियुक्त रामू यादव के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त रामू यादव ने अपने साथियों के साथ अपने गिरोह के सदस्यों द्वारा असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों से भय एवं आतंक के बल पर कोई वैध स्रोत न होने पर भी वर्ष 2012 से आपराधिक कृत्यों व शराब के व्यापार से चल अचल संपत्ति के तौर पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कीमत करीब 1,00,000 रुपए, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कीमत करीब 25,000 रुपए एवं कृषि हेतु जमीन कीमत करीब 2,00,000 रुपए खरीदी गयी, जबकि रामू के पास उक्त चल अचल संपत्ति को क्रय किए जाने का अन्य कोई वैधानिक स्रोत नहीं है। अभियुक्त रामू आपराधिक कृत्यों अवैध शराब की तस्करी करके भौतिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करते हुए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहकर अपराध करता है, जिससे आम जनता में भय तथा आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह इसके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता, जिसे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। सर, थाना पिलुआ क्षेत्र में आज एक गैंगस्टर के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्या मामला है सर? ये रामू यादव पुत्र निवासी दरिकपुर थाना पिलुआ है, जो लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहा है। इसमें करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं। वर्तमान में गैंगस्टर एक्ट विरुद्ध भी चल रहा है। इसके द्वारा अपराध से काफी संपत्ति अर्जित की गई है, जिसमें एक खेत, स्कॉर्पियो गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि। आज जिलाधिकारी एटा के आदेश पर एक खेत, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है और इसकी अन्य संपत्ति की हम जांच भी कर रहे हैं, उनको जब्त कराया जाएगा।